आज का टॉपिक है विशेषण पद का परिचय। विशेषण पदों का परिचय, ठीक है। विशेषण पद के परिचय के लिए हमें क्या करना होता है? तो जब भी अपन विशेषण पद का परिचय देते हैं तो इसके लिए हमें विशेषण का जो प्रकार है, यानी कि विशेषण का उपभेद, ठीक है, विशेषण के उपभेद के बाद जो है उसकी अवस्था, फिर लिंग, फिर उसका वचन, और जो है उसके बाद उसका वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम में क्रिया के साथ संबंध बताया जाता था, यहाँ विशेष्य के साथ संबंध बताया जाएगा। विशेष्य के साथ संबंध, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पहचान अपन को विशेषण के पद परिचय के लिए बतानी आवश्यक है, ठीक है। तो ये सब पहचान बताने के लिए सबसे पहले अपन को विशेषण के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है। आइए पहले विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखिए, पहले भी पढ़े हुए हैं सब लोगों ने, पहले भी पढ़ रखा है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले संज्ञा पदों की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। और जो संज्ञा पद होगा उसे कहेंगे विशेष्य। संज्ञा पद को विशेष्य कहा जाता है, यह पता होना चाहिए कि विशेष्य कौन सा है। जो संज्ञा पद है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो संज्ञा व सर्वनाम पदों की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं या पद हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, क्या होता है गुणवाचक विशेषण? तो संज्ञा के, इसकी परिभाषा है संज्ञा के किसी गुण, रंग, रूप,
दशा, आकार, आदि को बताने वाले विशेषण। आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें? जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, सुंदर लड़का। तो जो सुंदर है ये गुण हो गया, काला सांप, काला जो है ये आप इसका रंग हो गया। ठीक है, टेढ़ा बांस, जो टेढ़ा शब्द है ये इसका आकार हो गया। इस प्रकार से जो है गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो संज्ञा के किसी गुण, रूप, दशा, आकार, रंग आदि को बताने वाले जो विशेषण होते हैं ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब दूसरा जो है वो है अपने संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब काउंटिंग, गिनती। नंबर दो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? संज्ञा की संख्या प्रकट करने वाले, संज्ञा की संख्या प्रकट करने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की संख्या प्रकट करने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? देखिए, संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है क्रमवाची, ठीक है, दूसरा होती है संख्यावाची। गिनती जो है दो प्रकार से चलती है। ठीक है, क्रमवाची में क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये क्रमवाची है। संख्यावाची में क्या होगा? एक, दो, तीन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं। तो ये किसी के भी आगे लग जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे लें अपन कि दो पुस्तकें लाओ, दो पुस्तक या दो पुस्तकें, वचन है दो पुस्तकें, तो दो संख्यावाची विशेषण हो गए। अगर यही क्रमवाची में होगा तो होगा दूसरी पुस्तक, जो दूसरा शब्द है, दूसरी है ये पुस्तक, पुस्तक की संख्या बता रहा है कि पहली नहीं और दूसरी वाली पुस्तक है, तो दूसरी जो शब्द है ये संख्यावाची हो गई, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब तीसरे नंबर पर जो है ये है आपके परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा, या अपन साधारण भाषा में कहें तो नाप तोल। इसमें क्या होगा, किसी वस्तु की मात्रा या माप तोल को, किसी वस्तु की मात्रा या माप तोल को व्यक्त करने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाण कैसे, मतलब मात्रा या मापतोल कैसे होता है, तो वो देखिए उदाहरण के तौर पे। अगर उदाहरण लेते हैं तो जैसे 2 किलो आम ठीक है, 2 किलो आम ये हो गया, या फिर 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर है, 2 किलो है ठीक है, या थोड़ा पानी, थोड़ा जो शब्द है ये भी परिमाण है, 1.5 सारा या बहुत सारा, या यूं कह लो बहुत काम, ये जो बहुत है ये भी परिमाण है। तो इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण की पहचान होती है। अब नंबर 4 पर जो है ये है अपने संकेतवाचक विशेषण। संकेत से आप समझ गए होंगे, संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब हो गया इशारा, कि इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा किया जाएगा ठीक है। तो संकेतवाचक विशेषण का मतलब, इसकी परिभाषा लिखिए, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषण संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है, संकेत कैसे करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यह बच्चा, ठीक है, यह जो है विशेषण तो है ही है, मतलब सर्वनाम भी है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये पुस्तकें वह पक्षी, वह पक्षी, ठीक है, कोई आदमी, जो बात, तो ये सब जो है संकेतवाचक विशेषण है, ये इशारा करते हैं, ठीक है। अब पांचवा जो है ये है आपके सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, है सर्वनाम शब्द ही, लेकिन वो विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, रहेंगे सर्वनाम शब्द लेकिन विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो पांचवा जो है वो है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जो है मूलतः सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की, संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हो, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कुछ विद्वान जो है इसे जो संकेतवाचक विशेषण के भीतर ही मानते हैं, और कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो इन्हें अलग मानते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे यह घर, यह घर, वे वृक्ष, ये छात्राएं, इस प्रकार से जो है ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कुछ विद्वान जो है पांचवा भेद, जैसे सार्वनामिक विशेषण जो है संकेतवाचक विशेषण में मानते हैं, तो पांचवा भेद जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण मानते हैं। ये मैं बता देता हूँ एडवांस ही, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। व्यक्तिवाचक विशेषण है क्या, ये मूल रूप से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वाक्य में ये विशेषण का कार्य करती है,
तो यूँ इसकी परिभाषा लिखिए, मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करती है। तो उसे जो है व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आप यूं मान लीजिए ये चौथा और जो पांचवा है ये दोनों एक ही हो गए, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण आप उसे मान लीजिए, ये जो है पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें क्योंकि हमारे पद परिचय में हमें विशेषण का उपभेद पूछा जाता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके उदाहरण जैसे बनारसी साड़ी, अब देखिए बनारस एक स्थान का नाम है, ठीक है, साड़ी भी एक संज्ञा है, तो साड़ी की विशेषता बता दी गई कि ये बनारस की है, ठीक है ना, तो बनारस शब्द जो है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जैसे बीकानेरी भुजिया, ठीक है, कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव, कलकत्ती पान, तो कलकत्ती है, कश्मीरी है, बीकानेरी है, ये सब है तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्योंकि स्थान का नाम है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब विशेषण के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये सब हमने जो है विशेषण के भेद उपभेदों के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि विशेषण पद का परिचय किस प्रकार से देते हैं। तो एक बार आप सभी जो है भेदों और उपभेदों की जो परिभाषाएं हैं उनको दिमाग में बैठा लो और उसी के आधार पर हमें पहचान करनी है कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। देखिए जैसे वाक्य है, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रश्न आएगा कि या तो आएगा रेखांकित पद का परिचय दीजिए, ठीक है, तो रेखांकित पद का परिचय देने के लिए जो है कोई ना कोई पद रेखांकित किया हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ वीर, ठीक है, वीर शब्द मैंने रेखांकित कर दिया, सब को रेखांकित कर दिया, तो हमारे को यहाँ पर वीर और सब इनका पद परिचय देना है। तो इनके पद परिचय के लिए क्या करना होगा, इनके पद परिचय के लिए जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले लेना है उपभेद कि विशेषण का जो भेद है वो कौन सा है,
तो अभी हम विशेषण का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता है ये विशेषण है। तो सबसे पहले हमें वाक्य में से जो रेखांकित पद है उस पद की पहचान करनी होती है कि ये जो पद है ये पद विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। अगर विकारी शब्द है, अगर उसमें कुछ लिंग वचन कारक विभक्ति आदि के आधार पर कुछ परिवर्तन होता है, जैसे ये वीर सैनिक, ठीक है, जो वीर शब्द है इसमें अगर कुछ परिवर्तन होता तो ये विकारी शब्द में होगा, अगर परिवर्तन नहीं होता तो ये अविकारी होगा। तो हमने देखा कि भाई ये इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जैसे एक वीर है तो एक वचन का इस प्रकार से अपन ने इसकी पहचान करी। अब जो है हमें ये देखना है कि ये विकारी पद में कौन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या फिर क्रिया है। तो हमने देखा कि जो सैनिक शब्द है ये संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम है नहीं, और जो वीर शब्द है ये सैनिकों की विशेषता बता रहा है, इसलिए वीर जो है विशेषण हो गया। अब विशेषण में ये कौन सा विशेषण है ये हमें जानना जरूरी। तो वीर जो है सैनिकों का गुण है, इसलिए ये हो गया गुणवाचक विशेषण। तो पहली पहचान हमें ये लिखनी है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब आगे बतानी है कि इसकी अवस्था कैसी है, ये अपने मूल स्वरूप में ही है इसलिए मूलावस्था, ये इसकी अवस्था हो गई। ज़्यादातर शब्द अपनी मूल अवस्था में होते हैं, तो ये इसकी मूल अवस्था हो गई। इसका लिंग कौन सा है, सैनिकों के आधार पर इसका लिंग बनेगा, सैनिक जो है पुल्लिंग के हैं शब्द हैं, तो पुल्लिंग इसका आ जाएगा, लिंग पुल्लिंग हो गया। वचन क्या है, सैनिकों बहुवचन है, तो यहाँ पर भी अपन बहुवचन करेंगे। इसका जो लिंग वचन है ये संज्ञा के आधार पर निर्धारित होगा, इसलिए हमें साथ में संज्ञा भी देखनी होगी। आगे है विशेष्य के साथ संबंध, तो जो सैनिकों हैं, सैनिकों ये है हमारा विशेष्य, तो यहाँ लिखेंगे सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त किया गया है। क्या कर रहा है, सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा अपन ने इसमें से निकाला हुआ है, रेखांकित किया हुआ है सब, ये विशेषण है। अब ये सब कौन सा है, अब देखो सब दुश्मनों है तो विशेषण ही, दुश्मन कौन से है कि भाई एक दुश्मन नहीं है, दो नहीं है, सब है, सब मतलब ये आएगा अपने संख्यावाचक विशेषण में, किसमें, संख्यावाचक विशेषण। भाई एक दो तीन चार ये तो काउंटिंग है, कुछ थोड़ा बहुत या सभी सब ये संख्यावाचक में आता है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। इसकी अवस्था जो है मूल है, मूलावस्था है, ठीक है। अब इसका लिंग कौन सा है, दुश्मनों के हिसाब से दुश्मन पुल्लिंग है, तो इसका लिंग भी पुल्लिंग हो जाएगा। दुश्मनों बहुवचन आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें बहुवचन करना है, ठीक है। अब इसका जो विशेष्य है, दुश्मन इसका विशेष्य है, तो विशेष्य के साथ जो संबंध बताएंगे, तो यहाँ दुश्मनों विशेष्य, दुश्मनों विशेष्य की संख्या व्यक्त कर रहा है, ये इसका संबंध हो गया विशेष्य के साथ। दुश्मनों विशेष्य है उसकी संख्या व्यक्त करता है, तो कुल मिलाकर के एक दो तीन चार और ये पांच, ऐसे करके पांच विशेषताएं हुई, तो ये इसका पद परिचय हो गया। इस प्रकार से हमें जो है
विशेषण पद का परिचय देना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।